मीठे मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल, हर पल हो सुख और खुशियों की बौछार, मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ तहे दिल से आपका आपके फेवरेट शो सास बहु और सीरियल में। दोस्तों आज का दिन है बहुत खास, क्योंकि आज है मकर संक्रांति का त्योहार। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग मकर संक्रांति आज मना रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि कल है। पर हम क्यों टेंशन ले भाई, सास बहु और सीरियल में तो हर दिन त्योहार ही त्योहार है। तो चलिए फिर देर कैसी शुरू करते हैं हमारा आज का मकर संक्रांति स्पेशल सास बहु और सीरियल। दोस्तों टीवी पर में भी मची है मकर संक्रांति की धूम। अरे भाई आपको लेकर चलते हैं एक था राजा एक थी रानी के सेट पर। अरे पता भी है वहाँ क्या हो रहा है? अरे भाई वहाँ मिलकर पूरी फैमिली एक साथ मना रही है मकर संक्रांति। अरे भाई गायत्री और राणा जी दोनों ही मांझे की जंग कर रहे हैं। तो देखना ये है कि कैसे गायत्री और राणा जी पतंग से पेट लड़ा रहे हैं। All the viewers a very 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 happy मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की धूम, राणा जी ने उड़ाई पतंग। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पूरी फैमिली ने साथ मनाई मकर संक्रांति। और पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में पूरा परिवार एक साथ मना रहा है मकर संक्रांति। चल रहा है फैमिली के बीच काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। जो मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल खेल रहे हैं एंड सब एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम पूरा फैमिली के साथ में शूट कर रहे हैं तो बहुत मजा आ रही है। चलिए हमारी तरफ से पूरी फैमिली को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रोग्रामिंग डेस्क समाचार प्लस। मस्ती की पतंग हवा में उड़ती पतंग सबके दिलों को लुभाती है। अब भाई हमारी अक्षरा ने अपने हाथों से पतंग बनाई है और मकर संक्रांति पे तो पतंगबाजी की बात ही निराली है। नैतिक नक्श और नायरा कैसे मना रहे हैं अपने हाथों से पतंग, चलिए देखिए तो सही। मकर संक्रांति का त्योहार ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी मनाया जा रहा है। बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे। मौका हो मकर संक्रांति मनाने का तो ये तो मौका सिंघानिया फैमिली कैसे छोड़ता। सिंघानिया फैमिली और माहेश्वरी फैमिली मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं मकर संक्रांति। देखिए तो कैसे अक्षरा नैतिक नक्श और नायरा पतंग बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं नैतिक इस त्योहार पर अक्षरा का ख्याल भी खूब रख रहे हैं। हमारी ओर से आपको भी मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। पतंगे उड़ाइए खुशियाँ बांटिए। प्रोग्रामिंग डेस्क समाचार प्लस। जैसे ये पतंग बनाती है मकर संक्रांति को खास, वैसे ही टीवी पर में पतंग के रंग दिखे हजार। और भाई मकर संक्रांति पर थप्पी के घर में क्या हुआ खास, कहीं हुई साजिश या किसी की साजिश हुई नाकामयाब, चलिए फटाफट से देखते हैं। पांच
पांडे परिवार में चल रही है मकर संक्रांति की तैयारियां और इस त्योहार की सभी तैयारियों का जिम्मा दादी ने थपकी को सौंपा है। दादी के गुड बुक्स में थपकी हमेशा बनी रहती है और यही वजह है कि दादी ने अपनी फेवरेट थपकी को सौंपा है मकर संक्रांति का जिम्मा। थपकी ने भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिम्मा उठा शुरू कर दी है खिचड़ी बनाने की तैयारी। जैसे कि मकर संक्रांति है तो उसमें एक रिवाज होता है, एक रस्म होती है जिसमें खिचड़ी दान भी की जाती है और घर में बनती भी है। तो ये हमारा पुराना रिवाज है घर का जिसमें खिचड़ी बनाते हैं। तो खिचड़ी के संग चार यार बोलते हैं जो कि हैं दही पापड़ घी एंड अचार। खिचड़ी के चार यार, तो वो मुझे जिम्मेदारी थी ये बनाने की, तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। मतलब घर में ही बना के सब चीजें खिलाई जाएंगी। हाँ जी, उन ब्राह्मणों को जो हमारे गांव से आएंगे, गांव के टेम्पल से आएंगे। पांडे परिवार में मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसा रिवाज है कि उनके घर आते हैं गांव से पुश्तैनी सात पंडित जिन्हें पांडे परिवार खाने में इसकी खिचड़ी को खिलाता है। मकर संक्रांति पे जैसे कि हमारे घर का पुराना रिवाज है कि जो बाऊजी हैं उनकी साइड से उनके जो गांव है उनका उनके साइड से वहां से पुश्तैनी सात पंडित आते हैं और उन्हें हम लोग ये खिचड़ी और जो इनके चार यार हैं इन सबको हम लोग घर में ही इन चीज़ों को बनाते हैं और उनको खिलाते हैं। बिल्कुल, मैंने खिचड़ी बनाई है और मुझसे कभी पापड़ नहीं बन रहे हैं, कभी जार फूट गया, उसके कांच चले गए हैं, बट स्टिल बिहान की मदद से बन गया है खाना सारा। और हम दोनों ने दी है श्रद्धा को मास शह और मास। लेकिन 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 जरा रुकिए, संभलिए और शांति बनाए रखिए। अभी तो टेबल की एंट्री बाकी है। आखिर ये लेडी विलन थपकी को ये सभी तैयारियां इतनी आसानी से भी नहीं करने देने वाली। पांडे फैमिली की परंपरा में तो अभी भंग पड़ना बाकी है मेरे दोस्त। एंड एज यूजुअल श्रद्धा ने तो थपकी को दादी की गुड बुक्स में से हटाने की यहाँ पर भी रच रखी है पूरी साजिश, जिसमें उनका साथ दे रही है श्रद्धा की सासू माँ। ये ट्विस्ट आ रहा है कि श्रद्धा अपनी बुराइयों से जितनी भी मेरे साथ बुराइयां करती है वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मैं जितने भी अच्छे काम करती हूँ उसको दबा देती है, वो झूठ बोल देती है कि ये थपकी से हुआ है। जैसे कि मेरा उसने जार भी तोड़ दिया, अपनी मिली भगत माँ और श्रद्धा की जो रही, और उससे मेरे सारे बनते हुए काम बिगड़ गए। बिकॉज बेसिकली उनका ये मोटिव है कि मुझे इस घर की पांडे निवास के गुड बुक से निकालना है, तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। पर कहते हैं भगवान हमेशा साथ होता है, तो यही हुआ है हमारे साथ भी कि भगवान ने फिर मेरा साथ दिया है और फिर से मैं अपना पूरा खाना कंप्लीट कर पाई और एट लास्ट सच्चाई जीती। अब सास का साथ जो मिल गया है तो श्रद्धा कर देंगी थपकी की सांसें ऊपर नीचे। लगता है शो में श्रद्धा को थपकी के अच्छे कामों को बिगाड़ने के लिए ही रखा गया है। श्रद्धा बेसिकली थपकी के ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, दादी माँ ने बहुत भरोसे के साथ थपकी को जिम्मेदारी दी है कि वो जो हमारे घर की परंपरा है, जो सात पंडित हमारे घर में आएंगे उनको खाना खिलाने की, वो जो तैयारी वो करने जा रही हैं उसकी तैयारी में भंग डालने की कोशिश कर रही हूँ। एज ऑलवेज मुझे तो इसीलिए यहाँ पे शो पे रखा हुआ है कि मैं जो भी अच्छा काम होगा उसमें एक भंग डालने के लिए हूँ। सो बस वही कर रही हूँ। मेरा साथ देने के लिए मेरी सासू माँ है, तो जब एक सास और एक बहू को उसकी सास का साथ मिल जाता है तो फिर तो वो किसी की भी सांस ऊपर नीचे कर सकती है ना, तो बस वही कर रहे हैं हम। चलिए, श्रद्धा का जल्दी फैक्टर तो समझ आता है, लेकिन आखिर सासू माँ क्यों करती है दोनों बहुओं में दुबार, जबकि श्रद्धा से ज्यादा थपकी रखती है पांडे फैमिली की जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान। सासू माँ से भी हमने थपकी को ना फेवर करने की वजह जान ही ली। खुद ही सुन लीजिए, सासू माँ भी थपकी को दादी की गुड बुक से बाहर निकाल फेंकना चाहती है। सबसे पहली बात पर्सनली बताऊं तो खिचड़ी भी कोई खाने की चीज होती है। जिसमें घी डलता है, जिसका पेट खराब होता है वो खिचड़ी खाता है। I agree. वो भी फेस्टिवल के दिन खिचड़ी कौन खाता है? एनीवेज तो दूसरा ये कि थपकी का पूरे इमेज को मटिया मेट करना है। सो दादी का भरोसा तोड़ना है जो थपकी के ऊपर है, इसलिए ये सारा हम कांड कर रहे हैं। जितने भी लोग थपकी से प्यार करते हैं उनको उनके प्यार को नफरत में बदलना है। बच पाएगी क्या थपकी? तो बच के देख। नहीं बच पाए। थैंक यू सो मच। चलिए, मकर संक्रांति पर पंडितों के लिए खिचड़ी पकेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन श्रद्धा और सासू ने तो दादी की गुड बुक से थपकी को बाहर निकाल फेंकने की पूरी खिचड़ी पका ली है।
प्रोग्रामिंग डेस्क समाचार प्लस। दोस्तों मकर संक्रांति के शुभ दिन पर भी फाइनली स्वरागिनी में आ गया है एक अच्छा वाला ट्विस्ट। अरे भाई आज के शुभ दिन पर स्वरा और संस्कार ने कर ली सगाई, लेकिन ये क्या इस अच्छे मौके पर भी हो गया एक अपशगुन, और इस अपशगुन के पीछे कौन हो सकता है सोचिए सोचिए। नहीं पता चला, चलिए मैं ही बता देती हूँ, देखिए। तो संस्कार और स्वरा के नए रिश्ते की शुरुआत हो गई, वो भी खुशी खुशी। इस रिश्ते की शुरुआत हो रही है सगाई से। सगाई की रस्म आज पूरे परिवार के सामने हो रही है। सबसे खास बात तो ये है कि संस्कार और स्वरा बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। स्वरागिनी के सेट पर सब कुशल मंगल हो गया है। स्वरा और संस्कार एक हो रहे हैं, तो वहीं लक्ष्य और रागिनी के बीच की दूरियां भी मिट गई हैं। दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके दो दिल। फाइनली इन दोनों की जिंदगी में सब सॉर्ट आउट हो गया है एंड दे रियलाइज्ड कि उन्हें क्या चाहिए, तो अब सबके सामने पूरे तौर तरीके से ताम झाम के साथ एज मौसी से पूरी सगाई होने जा रही है। लेकिन वो सगाई ही क्या जो बिना किसी ड्रामे के हो, इसीलिए इस सगाई में भी जमकर हुआ ड्रामा। संस्कार और स्वरा की सगाई में आई बाधा। जब संस्कार और स्वरा एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे, तभी झूमर से खून की बूंदें टपकने लगी, क्योंकि झूमर के ऊपर था मरा हुआ चमगादड़। झूमर में फंसे चमगादड़ के खून टपकने से सगाई में आ गया ट्विस्ट। संस्कार के भाई लक्ष्य ऊपर जाते हैं और चमगादड़ को निकालते हैं, लेकिन आप यही सोच रहे हैं ना कि घर में चमगादड़ आया कहां से? किसी ना किसी की साजिश तो जरूर होगी। रागिनी की मौसी ने इसे अपशगुन माना, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करके स्वरा ने फिर से अपना गेटअप चेंज किया। फिर शुरू हुई सगाई की रस्में। खून खून की रमे ऊपर से जब पे। अंगूठी पहनाने जाता है संस्कार स्वरा को, तो ऊपर से कहीं से तो खून आ जाता है उंगली पे, फिर चेहरे पे, फिर सारे कपड़ों पे खून खून, तो उसके वजह से रुकावट हो जाती है। फिर पता चलता है कुछ और ही है ऊपर, कोई जहाँ एक बता दे बैट है उस पे से मर गए जो खून नीचे बह रहा। सगाई की रस्म शुरू हुई नहीं थी कि अंगूठी गायब हो गई, लेकिन सगाई तो करनी ही थी, इसीलिए संस्कार ने मौली से अंगूठी पहनाकर सगाई का मौका नहीं छोड़ा और सगाई की रस्मों को पूरा किया। चलिए जाते जाते स्वरा और संस्कार आपको सगाई की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते ये हैं कि संस्कार और स्वरा की शादी होते होते क्या क्या नए ड्रामे आते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क समाचार प्लस। ओफो, पता नहीं मेरी पतंग कहाँ अटक गई है, कहीं नजर भी तो नहीं आ रही है ना। चलिए मैं देख आती हूँ अपनी पतंग, तब तक आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो गई है, आप सारे शुभ काम कर सकते हैं जैसे कि शादी। अब हमारी कृष्णदासी को ही ले लीजिए जो कर रही है शादी। हाथों में लग रही है मेहंदी, गालों पर लग रही है हल्दी, क्योंकि सना शेख की हो रही है शादी। कृष्ण दासी बनने जा रही हैं दुल्हन, नई खुशियां मिलने वाली हैं।
कृष्णदासी के हाथों में रच रही है मेहंदी, गालों पर लग रही है हल्दी। कृष्णदासी की रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में शादी हो रही है और ये असली हल्दी मेहंदी की रस्म है। कृष्णदासी की दासी और गुस्ताख दिल की लाजो तेरे शहर में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली सना सचमुच में बनने जा रही है दुल्हन। चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ। जरा देखिए तो कैसे धूमधाम से कृष्णदासी की मेहंदी सेलिब्रेट की जा रही है। पूरे परिवार के साथ सना की हल्दी रस्म निभाई जा रही है। पीली साड़ी में सना अमीन शेख कितनी सोनी लग रही है, हल्दी में भी ये किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। वैसे सना ने शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी ली है। जहां स्टार्स शादी के लिए लंबी लंबी छुट्टियां लेते हैं, वहीं सना को सिर्फ 3 दिन के लिए काम से फुर्सत मिली है। सना कलर्स पर आने वाले कृष्णदासी में लीड रोल प्ले कर रही है और ये शो कलर्स पर अगले हफ्ते ऑन एयर होने जा रहा है, इसीलिए सना के पास वक्त बहुत कम है। वैसे आप यही सोच रहे होंगे कि सना की शादी किससे हो रही है, तो बता दें कि शादी हो रही है एजाज शेख से, जो कई टीवी शो के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। लिख के मेहंदी से सजना पना, लिख के मेहंदी से। हल्दी की रस्म हो चुकी है, अब शादी की बारी है और आज सना की शादी है। हमारी ओर से विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ और कृष्णदासी के लिए भी ढेरों शुभकामनाएं। प्रोग्रामिंग डेस्क समाचार प्लस। दोस्तों आज मकर संक्रांति के साथ साथ लोहड़ी का जश्न भी मनाया जाता है। हमारे रमन और इशिता को ही ले लो जो मना रहे हैं लोहड़ी लेकिन थोड़ी टेंशन के साथ। भाई मेरी तो यही एडवाइस है कि रमन इशिता पतंग उड़ाओ, मजे करो और टेंशन को भूल जाओ। भाई आज मौका भी है और दस्तूर भी। लोहड़ी आई खुशियाँ लाई, इसी खुशी में रमन इशिता भी लोहड़ी मनाने आ पहुँचे। कई लोग आज लोहड़ी मनाते हैं तो कई लोग कल मना चुके हैं, लेकिन टीवीपुर की दुनिया में कभी भी त्योहार मने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मन ही मन रमन इशिता के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन ये किसके बारे में है? ये सोच है रोहित के बारे में। उन्हें उम्मीद है कि रोहित के असली माता पिता की खबर मिलेगी, रोहित का कोई तो क्लू मिलेगा। लोहड़ी का माहौल था तो रमन और इशिता भी खूब खुश हुए, क्योंकि उन्हें भी याद आने लगी शादी के बाद की पहली लोहड़ी। वैसे इस लोहड़ी में भल्ला फैमिली मिसिंग है, लेकिन कोई नहीं, आपको भी सास बहु और सीरियल की ओर से लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। प्रोग्रामिंग डेस्क समाचार प्लस। दोस्तों कहते हैं कि मकर संक्रांति आते ही गर्मियों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। अरे भाई मौसम ने करवट ले ली है और सूरज देवता भी जरा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए अब सूरज देवता न सही बल्कि आपको बिहान और ठपकी की मस्ती वाली पतंग की एक झलक दिखा देते हैं। चल
पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के। इस 14th को बहुत मिस करने वाले हैं दोनों, जयपुर को बहुत ज्यादा। लोहड़ी और सकरात ऑफ कोर्स हम बहुत मिस करने वाले हैं। सकरात पे तो हम लोग एक रात पहले सारा दिन बैठ के सबके ये बांधते हैं, कन्ने बांधते हैं, सबकी बांध के रात को रेडी रखते हैं, फिर सुबह चाहे कटे तो हैंड टू हैंड दूसरी उड़ा सके, ये टाइम ना लगे ये फालतू में तंग बांधने में। इसलिए रात भर पूरी रात बैठ के जाग के दो दो तीन तीन कौड़ी हम जितनी पतंगे लाते थे, एक कौड़ी में 20 पतंगे, तो सब अलग अलग स्टाइल के अलग अलग डिजाइन की सब हवा के अकॉर्डिंग लेके आते थे और सब पे तंग बांध के रात रात को बैठ जाते थे। आई थिंक मैंने यहाँ मुंबई में जितने भी फेस्टिवल्स देखे हैं बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी हो गया, न्यू ईयर पे हमने देखा इतनी प्यारी सेलिब्रेशन होती है। एंड मैंने देखा है, इनफैक्ट हम दोनों ने ये चीज़ नोट किया कि मुंबई में जितने भी छोटे से छोटे से फेस्टिवल है वो बहुत ही ग्रैंड वे से मनाया जाता है, तो आई होप मकर संक्रांति भी उसी वे में मनाई जाए। बट आई नो कि जयपुर जैसी तो बात नहीं हो सकती यहाँ के आसमान में, बट Yes, we are looking forward for आसमान देख ही नहीं सकते। तेरे भैया उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए, अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। मैंने बहुत पतंगें काटी इनकी और हर बार मेरे पास तू को काटा यार, तू मत काट। मुझे एक चीज याद आई अभी अभी जयपुर में जब हम दोनों एक शो कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं था मेरी छत के पीछे वाली छत पे आए थे अपनी फ्रेंड से मिलने, और रात को मैं बोलता हूँ मैं तेरे घर के आसपास ही हूँ मानसरोवर, तो रात को आप ये मुझे मैसेज कर रहे थे कि ये गाना चल रहा है, ये गाना चल रहा है मेरी छत पे, इतने बड़े बड़े स्पीकर लग रहे हैं उसी छत पे, और मैं ऐसी हो रही थी ओ माय गॉड इसको कैसे पता ये गाना चल रहा है ऊपर, इसको कैसे पता। एंड फाइनली इनको देखा मैंने ऊपर पतंग उड़ाते हुए, तो बहुत ही इंजॉय किया था। इनकी पतंग मैंने ही काटी थी, बहुत सारी काटी उन्होंने मेरी पतंग। इट्स जस्ट कि हमारा एक वो भी है आगे सीरियल में, वो भी है सीन भी है कि जहाँ कपल्स हम लोग खेल रहे हैं, कपल खेल रहे हैं, जहाँ ध्रुव और श्रद्धा और थप्पी और बिहान के बीच में कंपटीशन है जिसमें दादाजी का नाम लिखा होता है पतंग पे और वो हमें उड़ानी है, तो और वहाँ अगर मुझे थप्पी को जिताना है तो ऑफकोर्स वही हर बार मेरे साथ होता है, जहाँ जहाँ मैं श्रद्धा को हराने और थप्पी को जिताने के लिए आता हूँ वहाँ वहाँ मुझे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने भाई को हराना ही पड़ता है, और उसके लिए मैं आई थिंक दोनों के कैरेक्टर्स बहुत ही डिफरेंट हैं एंड दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की पतंग काटना चाहता है। यस जो ध्रुव सर पतंग की वो तैरते तैरते जरा बिहान की पतंग के पास आ गई है, लपेट ली मैंने लपेट मेरे अपने आप लपट गए, सही पकड़े हैं मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ में बहुत किया है, और ये बताऊं मैंने किया मेरी लाइफ में बहुत किया सीरियसली, आई थिंक बॉय हम लोग चार पांच लड़के जो भी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे साथ, हम लोग का ग्रुप होता था और हम हवा देख के लिखते थे, मतलब आज किस तरफ की हवा है, इधर किसका घर है, इधर किसका घर, किस लड़की का। अरे वाह मेरी पतंग ने तो आज बहुत उड़ान भर ली। अब आज टीवीपुर की मकर संक्रांति में बस इतना ही, आप सभी को सास बहू और सीरियल की पूरी टीम की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ चटपटी खबरों के साथ, तब तक आप रखिए अपना ख्याल और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।